गुड आफ्टरनून क्लास। हम लोगों ने पिछली क्लास में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल गुणनखंड, हम लोग गुणनखंड पढ़ रहे थे, किसी भी पॉलिनोमियल का गुणनखंड पढ़ रहे थे। तो हमने एक तरीका उसमें ये देखा था कि दो वर्गों के अंतर का गुणनखंड, अंतर का गुणनखंड, दो वर्गों के अंतर का गुणनफल या दो संख्याओं के अंतर और प्लस का जो गुणनखंड था, वर्गों का गुणनखंड था, हमने वो देख लिया था। इसमें हमने दो वर्गों के अंतर का गुणनखंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 ब्रैकेट a प्लस बी, 1 ब्रैकेट a माइनस बी। जैसे हम इसमें क्या देखेंगे, हमने इसमें देखा था दो तीन क्वेश्चन कि 16 a स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर, हम इसे क्या करेंगे, 4a, ये किसका स्क्वायर है, यहां हम लिखेंगे 4a का स्क्वायर माइनस 5b का स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, दो वर्गों के अंतर का गुणनखंड हुआ, तो हम क्या करेंगे, 1 ब्रैकेट 4a प्लस 5b और 1 ब्रैकेट 4a माइनस 5b, ये हमारा दो वर्गों के अंतर का गुणनखंड हो गया। ठीक, इसमें फार्मूला हमारा लगता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट a प्लस b और 1 ब्रैकेट a माइनस b। ठीक, और इसी तरीके से एक और होता है, दो हमने पिछली क्लास में बताया था, हमने बताया था कि दूसरा पैटर्न क्या है, दो दो संख्या दो दो पदों के अंतर या योग के वर्ग का गुणनखंड। हमने पहला देखा कि दो वर्गों के अंतर का गुणनखंड देखा, दो वर्गों के पदों के अंतर का गुणनखंड देखा, इसमें दो पदों के अंतर और योग, जैसे a प्लस बी, ये दो पद हैं a और एक b पद है, इसका जो वर्ग हो, इसका जो योग होगा उसके वर्ग का, तो हमने फार्मूला बताया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, हमने इसको बताया था। दूसरा हमने a माइनस दो वर्ग, दो पदों के अंतर का वर्ग, हमने क्या बताया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, हमने इसमें आप बनाया था। इसमें क्या क्या हुआ, फार्मूला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन मान लीजिए कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, हमने एक क्वेश्चन कल कराया था, हमने क्वेश्चन क्या कराया था, ये क्वेश्चन कराया था, यहाँ कल लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2x x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसी तरीके से इसमें आप माइनस कर देंगे तो आप इसका निकाल सकते हैं। इतना हमने पिछली क्लास में देख लिया था, आज हम इस पे कुछ नया, इतना तो हमने देख लिया था, आज हम इस पे कुछ नया देखेंगे। जैसे इसको सभी लोग नोट कर लें, हम दूसरा क्या देखेंगे, जैसे कोई द्विघात तीन पद में दिया गया है, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल्स दो घात का कोई पॉलिनोमियल्स है और उसमें तीन पद दिए गए हैं, जैसे कोई पॉलिनोमियल्स है और उसमें द्विघात द्विघात बहुपद बहुपद का गुणनखंड का गुणनखंड, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर हम क्या लिखेंगे, वेयर, जहां पर a does not equal to 0, a कभी भी 0 नहीं होगा, हम यहां देखेंगे a हमारा कभी भी 0 नहीं होता है। तो इसको करने के लिए हम करते कैसे हैं, सपोज मान लीजिए कि इसका जो फैक्टर होगा वो x plus p होगा, दो घात का है तो इसके दो मूल होंगे, दो रूट्स होंगे, अगर कोई द्विघात समीकरण है
कोई भी द्विघात समीकरण होगा अगर हम उसका फैक्टर करेंगे तो उसके दो रूट्स निकलेंगे, एक तो होगा x प्लस पी और एक होगा x प्लस क्यू। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यूब एक्स प्लस पी क्यू। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लीजिए आप, पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू। अब आप क्या करें, इससे आप इसको कंपेयर करें, इससे इसको कंपेयर करने पर आप इसको कंपेयर करिए। कंपेयर कैसे करेंगे, यहां पे पी पी प्लस क्यू किसके बराबर है, बी के बराबर है, और पी इंटू क्यू किसके बराबर है आपका सी, सी के बराबर। तो हमें करना क्या होता है, हम ये वही वाला फॉर्मूला है जब हम मध्य पद को तोड़ते हैं, हम क्या करते हैं बीच वाले पद को तोड़ देते हैं, बीच वाले पद को तोड़ के अलग अलग कर देके इसको हम फैक्टराइजेशन करते हैं। आइए इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। ये दूसरा तरीका है, हमने माना कि इसका जो फैक्टर होगा वो x प्लस पी एक्स प्लस क्यू होगा, हमने माना इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स में एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस पी में एक्स का पी एक्स प्लस क्यू में एक्स का क्यू एक्स प्लस पी क्यू। ठीक, अब यहाँ से आप इन इसमें x और इसमें x है, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए x को, तो x स्क्वायर प्लस x इंटू पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू हमने लिख दिया। अब आप इसको कंपेयर कर दीजिए, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म का फार्मूला लिखा हुआ है उससे आप कंपेयर कर दीजिए। जब कंपेयर करेंगे आप तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू बी आएगा, p इंटू क्यू बराबर सी आएगा आपका। ठीक, इसके बाद देखना हमें जैसे कोई भी क्वेश्चन, अब हम प्रॉब्लम चलते हैं, प्रॉब्लम फर्स्ट देखते हैं। हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, हमने कोई ये लेना, ये त्रिघात समीकरण है, ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है, बी अब देखिए यहां से पी प्लस क्यू हमने देख लिया, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू फाइव है, पी इंटू क्यू बराबर कितना है 6 है। इसका मतलब क्या है, हम पी और क्यू की क्या वैल्यू लें, हम पी और क्यू की क्या वैल्यू लें कि उसका योग 5 हो और उसका गुणनफल 6 हो, बातें। अब देखिए आप वैल्यू लेना स्टार्ट करिए, इसमें इसका फैक्टर, इसके दो फैक्टर, एक फैक्टर तो 1 और 6 है, एक फैक्टर 2 और 3 है, क्या 1 और 6 का योग 7 होगा, नहीं होगा, तो ये फैक्टर हो ही नहीं सकता। अब इसका फैक्टर 3 और 2 भी है, 3 और 2 का योग क्या 5 है, ये इसका फैक्टर हो सकता है, तो हम करें क्या, अब आइए देखिए इसको करते कैसे हैं। अब x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 एक्स पी प्लस क्यू प्लस 3 इंटू हमने लिख दिया, इसको हम 6 लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, अब हमें पिछली क्लास में बताया था कॉमन लेने के लिए, अब यहाँ से इसको कॉमन निकालिए तो x प्लस 3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 3 बचेगा, दोनों में से कॉमन क्या है x प्लस 3 और यहाँ से x निकाल x प्लस 3 निकालेगा तो x प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा। तो आपका फैक्टर, इसका फैक्टर क्या होगा x प्लस 3 और इंटू x प्लस 2, इसका दो फैक्टर हो गया। ठीक, ये फैक्टर करने का तरीका होता है। अब इसी पे एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हम लेते हैं, क्या होगा इसमें देखिए, p प्लस q जान लीजिए आप कितना है, b के बराबर है, p इंटू क्यू c के बराबर है, हमने लिख दिया। इसका मतलब p और q की ऐसी वैल्यू हमें निकालनी है कि जिसका योग 7 हो और उन दोनों का मल्टीप्लाई 12 हो। इस पे करते कैसे हम लोग, इसका फैक्टर निकालते हैं 1 और 12, क्या इनका योगफल 7 है, नहीं है, ये नहीं होगा। फिर 2 और 6 2 8, क्या इसका फैक्टर होगा, नहीं होगा। 3 और 4 ले लीजिए, 3 और 4 4 3 7 4 के बाद इसका फैक्टर होगा, मतलब 3 और 4 इसकी वैल्यू होगी। हम क्या करेंगे इसमें देखिए, तो x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 p प्लस q x प्लस 12 हमने लिख दिया, आसान हो गया। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 हमने लिख दिया। अब इसके बाद देखिए x
स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 हमने लिख दिया, वही चीज सेम। तो यहां से x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 यहां बचेगा, प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3, दोनों में से x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, तो x यहां से कॉमन, x प्लस 3 कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा, यहां से निकालेंगे तो 4 बचेगा, इसका फैक्टर क्या होगा, x प्लस 3 और x प्लस 4 होगा। ये इसका फैक्टर करने का तरीका होता है। अब सपोज मान लीजिए कि यहां पे साइन अलग अलग दिया, साइन अलग अलग दिया, तब कैसे करेंगे, जैसे थर्ड क्वेश्चन x square minus 7x plus 12, सेम वही क्वेश्चन हमने माइनस कर दिया। अब इसका क्या होगा, अब देखिए p plus q is equal to कितना, minus 7, p into q is equal to, ऐसी दो संख्या जिनका योगफल या गुणन घटाओ 7 हो और उनका गुणनफल 12 हो, इसका फैक्टर करना है ना, तो हमने क्या देखा कि 3 और 4 हो सकते हैं, इसके जोड़ने पर मान लीजिए 3 और 4 हो सकते हैं, तो x square minus p plus q मतलब 3 plus 4 x plus 12, दोनों को जोड़ माइनस आना चाहिए, माइनस आएगा, x square minus 3x minus 4x plus 12 हमने लिख लिया, तो x कॉमन लेंगे तो x minus 3 आएगा, minus 4 कॉमन लेंगे तो x यहां से निकलेगा 4 और minus 3, तो x minus 3 और x minus 4, इसका ये फैक्टर हो जाएगा, माइनस है तो ये आ गया, कुछ भी रहेगा कहीं भी बढ़ता, देखिए x में एक ट्रिक है, एक ट्रिक क्या है कि अगर यहां दोनों साइन प्लस रहेगा, अगर यहां दोनों साइन प्लस में है तो आपके जितने जितना फैक्टर आएगा दोनों फैक्टर में प्लस का साइन होगा, पहला चीज तो ये। दूसरी चीज कि अगर यहां पहले माइनस है, पहले भी माइनस है, तो यहां जितने भी फैक्टर आएंगे दोनों में माइनस साइन रहेगा, पहले शब्द देखा दूसरे शब्द देख लिया, ठीक। अब एक क्वेश्चन और, तीसरे पे हम चलते हैं, तीसरे पे, तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, p प्लस q इज इक्वल टू क्या है, 2 है, और p इनटू q इज इक्वल टू कितना है, माइनस 15 है, मतलब मैं ऐसी दो संख्या लेना है जिसका गुणनफल माइनस 15 हो और उसका जोड़ या घटाव आपका कितना हो, 2। अब देखिए कैसे करेंगे, तो यहां से 5 और 3 ले लीजिए, 5 और 3, अब यहां देखिए इसका घटाव प्लस में आना चाहिए, घटाव प्लस में आने के लिए किसको हम माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, करेंगे इसको माइनस, अब देखिए चलते हैं, x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x माइनस 15 कर दिया हमने, बातें पता है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, x हमने कॉमन लिया, x प्लस 5 हो गया, यहां से माइनस और आप 3 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 5 हो गया, x प्लस 5 वन ब्रैकेट और x माइनस 3 एक ब्रैकेट, ये इसका आंसर। इसमें क्या हमें दिखा, इसमें ये दिखा कि जब हमारा लास्ट में साइन होगा तो यहां पे क्या होगा, एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा, ये आपका आंसर ज्ञात, आंसर आपको सही है या गलत है इसकी जांच करने के लिए हमने बताया कि जब यहां पे दोनों साइन प्लस होंगे तो इसका जो फैक्टर होगा दोनों में प्लस होगा, पहले माइनस होगा तो दोनों में माइनस होगा, बाद में माइनस होगा तो एक में माइनस एक में प्लस होता है, ये हमारा फैक्टर ज्ञात करने और उसका आंसर चेक करने का तरीका है, ठीक। तो आज इतना ही, इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे, आज का होमवर्क आपको दे दे रहे हैं हम, आज का आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, देखिए सभी लोग, पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108, दूसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, तीसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, तीसरा क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन आपका आएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 आएगा, पांचवा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है
प्लस 24। पांच क्वेश्चन है, पांच क्वेश्चन आपको करने हैं, ये आपका होमवर्क है। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि ये वीडियो इस चैनल को बीपीएस पब्लिक स्कूल कोटवा इलाहाबाद के चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उन बच्चों के पास पहुंचे और वो उनका लाभ ले सके। थैंक यू वेरी मच।